Hello dear genius brains, a very warm welcome to your social studies class. So children, this is your learning buddy Aparajita with a new chapter of civics, and the book we are going to do is your Jelly Bean Journeys in Social Studies class 8 by Brain Root series. So we start chapter number 8 here, public facilities. तो आज पढ़ते हैं public facilities के बारे में. Water, a part of fundamental right of life. This is sum and substance, the topics we are going to read in this chapter. We'll read about water, then public facilities, the government's role. Sarkar ka kya yogdan hai, kya role hai isme. Water supply to Chennai, in search of alternatives. Retrieve, make a list of public facilities provided by the government. गवर्नमेंट क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है उसकी एक लिस्ट बनानी है यहाँ. तो लेट्स रीड द चैप्टर एंड देन विल कम टू नो व्हाट आर द फैसिलिटीज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस. वाटर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ. ये जो वाटर है, पानी, ये फंडामेंटल राइट, लाइफ का एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है. ओके, इन साइंस लेसन्स यू हैव लर्नड that water is essential for survival of all living beings. आप सभी ने पढ़ा है, ये साइंस में हम सब ने पढ़ा है कि जो वाटर है वो एक सबसे ज़रूरी पार्ट है जीवित रहने के लिए. फाइन, सबसे ज़रूरी चीज़ है. वी नीड वाटर फॉर मैनी पर्पजेज. अब वाटर बहुत सारे पर्पजेज के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है. लेट्स सी किस किस में. Like bathing, washing, cooking and drinking. While we can manage with somewhat poor quality of water for washing and bathing, we cannot do so for cooking and drinking. हम washing, कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए थोड़ा बहुत poor quality के water का use कर सकते हैं, लेकिन cooking के लिए और पानी जो पीते हैं हम, उसके लिए हम वो पुअर क्वालिटी वाटर का यूज नहीं कर सकते. सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. शुद्ध पानी, साफ पानी हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है. मैनी वाटर बोर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. जो पानी से जो डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, उससे बचा जा सकता है अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाए. Many children in India die before the age of 5 because of waterborne diseases. और इसी पानी से होने वाली बीमारियों के कारण इंडिया में बहुत सारे बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही डेथ हो जाती है उनकी. These deaths can be prevented by making safe drinking water availability to all people in the country. तो इससे बचने के लिए कंट्री में, हमारे देश में सभी लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना बहुत एसेंशियल है. मैनी केसेस हैव बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच हैव फोर्स्ड द कोर्ट्स टू टेक नोटिस एंड टू गिव जजमेंट्स हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर. सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना. फाइन चिल्ड्रन, पब्लिक फैसिलिटीज. अब पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? अपार्ट फ्रॉम वाटर, वाटर के अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं? देर आर मैनी अदर फैसिलिटीज विच नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा नीड टू बी सप्लाइड टू द पब्लिक. पब्लिक को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए होती है, स्कूल्स की भी फैसिलिटी चाहिए होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है. The most important feature of the public facility is the benefit which reaches almost all sections of the society. For example, if electricity comes to a village, it benefits the people in many ways. अगर बिजली गांव में जाती है, गांव में पहुंचती है, तो बहुत सारे लोगों को लाभ होता है उससे. A student can find reading more enjoyable under the light. और गांव में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे रहते हैं गांव में, उनको अगर लाइट मिलेगी पढ़ने के लिए तो दे विल एंजॉय मोर,
उनको अच्छा लगेगा पढ़ना. अ फार्मर कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन, और जो फार्मर है वहाँ का किसान जो है गांव का, उसे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इरिगेशन के लिए. अ पर्सन कैन स्टार्ट अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सम अदर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गांव में रहने वाले कुछ लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो रही है वहाँ, और छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं. सी गवर्नमेंट स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस. फाइन. इंटरप्रिटेशन. पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूड हेल्थ केयर. अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं. आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था ना शुरू में कि लिस्ट आउट द पब्लिक फैसिलिटीज. दीज आर द पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी. बट सम पीपल आर नॉट एबल टू यूज देम. लेकिन अभी भी कुछ लोग इसका यूज, इस पब्लिक फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाते हैं. द गवर्नमेंट्स रोल. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है. Given that public facilities are so important, one of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. अब जैसा कि पता है, सरकार को भी पता है कि ये जो public facilities हैं ये बहुत important हैं सभी के लिए, तो government को ये ensure करना ज़रूरी है कि ये facilities सब तक पहुँच रही हैं या नहीं. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. अब ये समझना ज़रूरी है कि केवल सरकार का ही क्यों काम है ये पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, केवल वही क्यों बेयर करेगी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को. We have seen that private companies operate for profit in the market. जो private companies होती हैं वो केवल अपना profit देखती हैं. By public facilities such as school and hospitals, private companies may well be interested. We have many of these, particularly in large cities. Similarly, if you are living in a city, agar aap city mein rehte hain, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. अब अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने देखा हो कि वाटर टैंकर्स आते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं वाटर टैंकर्स, वो आके सबको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाते हैं और या सील्ड बॉटल में देते हैं ड्रिंकिंग वाटर. इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट द प्राइस दैट सम पीपल कैन अफोर्ड. अब प्राइवेट कंपनीज पब्लिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करवाती हैं सबको, लेकिन कॉस्ट हाई होती है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. और अगर इस rule से चला जाएगा कि जितना वो pay कर सकते हैं उतना उनको मिलेगा, तो क्या होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो डिप्राइव रह जाएंगे, वो रह जाएंगे इन सब फैसिलिटी को यूज करने से और एक डिसेंट लाइफ जीने से. स्पॉट इंस्पेक्ट. नेम द पब्लिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड इन योर स्टेट. अब आप लोग कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं आप, वहाँ आपको कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज मिलती हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर. ओके चिल्ड्रन. Now, water supply to Chennai. Chennai ko water supply. Is it available to all? Kya ye water supply Chennai mein sabhi ko available karwaya gaya hai? While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. Ab pata to ye hai ki पब्लिक फैसिलिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए. पब्लिक का मतलब पब्लिक जितनी भी जनता रहती है, जितने भी नागरिक हैं, सबको मिलना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज़ की बहुत शॉर्टेज है. सी दिस इज अ वाटर टैंकर गिविंग वाटर, पीपल आर फिलिंग द बकेट्स इन ऑल द पॉट्स. वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city. अब जो म्यूनसिपैलिटी है वो
केवल आधे लोगों की ही सप्लाई पूरी कर सकती है सिटी में जो रहते हैं. ऑन एन एवरेज देर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स. कुछ एरियाज में वाटर रेगुलर बेसिस पे आता है, कुछ एरियाज में नहीं आता. Those areas that are close to the shortage points get more water, whereas colonies further away receive less water. The burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor. जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं के लिए ये water supply कम होती है, उनके ऊपर burden होता है. The middle class, when faced with water shortage, are able to cope through a variety of private means, such as digging boreholes, buying water from tankers and using bottled water for drinking. अब middle class को अगर shortage face करनी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो किसी private means से water मंगवा लेते हैं, या boreholes dig करवा लेते हैं, या water tankers से water लेते हैं, या bottled water पीते हैं. Once again, the wealthy have more choices thanks to the booming market in bottled water and water purifiers. अब जो wealthy है, जिसके पास पैसा है, वो उसके पास ज़्यादा choices हैं चीज़ें लेने के लिए. People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. अब जिनके पास पैसा है, जो afford कर सकते हैं, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है उन्हें. लेकिन पुअर जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना, उसको नहीं मिलता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर. देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव राइट टू वाटर. इसलिए ये सब देख के तो यही लगता है कि जिनके पास पैसा है उन्हीं को राइट है वाटर का, पानी पीने का उन्हीं को अधिकार है. इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए. सो इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स नाउ, द प्रॉब्लम इन चेन्नई कुड बी द प्रॉब्लम इन एनी सिटी इन इंडिया, बी इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इवन पटना. जो प्रॉब्लम चेन्नई में है वाटर की, वो प्रॉब्लम इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है. द सप्लाई फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी इज नॉट इनफ. Private operators have infiltrated in most parts of the cities and are exploiting the people. A poor person may not be able to get even 20 liters of water in a day, while a person staying in a 5-star hotel usually uses 1,600 liters water in a day. अब देखिए आप, एक गरीब इंसान उसको शायद 20 लीटर्स वाटर इन अ डे, एक दिन में 20 लीटर्स वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पाता है. लेकिन एक रिच, अ रिच पर्सन हु इज स्टेइंग इन अ 5-star होटल, वो 1600 लीटर्स वाटर यूज कर देता है एक दिन में. द अर्बन वाटर कमीशन सेज दैट अ पर्सन इन अर्बन एरिया नीड्स 135 लीटर्स वाटर इन अ डे. और जो अर्बन वाटर कमीशन है उसके अनुसार एक इंसान को जो अर्बन एरिया में रह रहा है उसे 135 लीटर वाटर एक दिन में ज़रूरत होती है, मिलना चाहिए उसको 135 लीटर वाटर. सी पुअर सफरिंग फॉर वाटर, कहाँ कहाँ से जाके वो पानी लेके आते हैं. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट एजेंसीज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई. ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाटर सप्लाई की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये. देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज वेयर प्राइवेट ऑपरेटर्स हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई. बहुत कम ही देश ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वाटर सप्लाई की. Interpretation: The suburban rail in Mumbai is the densest route in the world, attending to 65 lakh passengers daily. Public water supply has been a huge success in many countries. बहुत सारे countries में जो public water supply है वो बहुत बड़ा एक success भी हुई है. For example, in Porto Alegre, Brazil, the public water supply has been very successful and is worth emulation.
In India also, there are some examples of success by government departments while looking after water supply. कुछ इंडिया में भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं जो ये वाटर सप्लाई की देखभाल कर रहे हैं. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मुंबई. द वाटर सप्लाई इन मुंबई इज मैनेज्ड इन अ वे दैट इनफ रिसोर्सेज आर जनरेटेड फ्रॉम यूजर्स टू कीप द सिस्टम रनिंग. अब मुंबई में क्या है, इस तरह से मैनेज किया गया वाटर सप्लाई को कि रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट हो सके, यूज़र्स ही जनरेट करते हैं उसको और इस सिस्टम को चलता, ये सिस्टम चलता रहता है. द गवर्नमेंट इन चेन्नई हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू इम्प्रूव रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब जो चेन्नई की गवर्नमेंट है उसने कुछ मेजर्स लिए हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को और सुधारा जा सके. फॉर सप्लाइंग वाटर प्राइवेट टैंकर्स आर गिवन कॉन्ट्रैक्ट but the government fixes the rate of water and ensures that the tankers operators do not overcharge from people. ab water supply ke liye private tankers ko contract diye gaye hain lekin government ne ek rate fix kar diya hai aur ye dhyan rakhti hai government ki ye jo tankers operator hain ye overcharge na kare, logo se zyada paisa na le. public private participation in providing certain services have given good services to public. For example, many roads in India have been built by private companies. Private companies ne bhi bahut acha participation kiya hai public service dene mein. Jaise ki India mein bahut sare roads jo hai wo private companies ne banaye hain. They are allowed to take user charges and are also supposed to maintain those roads. With proper checks and balances, some degree of private participation can be allowed in many public services. एक proper check रखते हुए और balance बनाते हुए कुछ private participation भी allow किया जा सकता है public services के लिए. But primarily, providing a public service is the responsibility of government. लेकिन primary basis पे जो public services provide करवाने की responsibility है वो किसकी है, सरकार की है, government की है. Now the catalogue children, public transport, mode of transport which is used by a large number of people and which is usually provided by government agencies. Waterborne diseases, disease which is spread through contaminated water. Facilities, a service that makes possible to do something. Municipality, a political subdivision of a state. Emulation, the process of copying something achieved by someone else. Okay, children? Now, a look over to this chapter. Water is essential for survival of all living beings. हम सभी जानते हैं कि water बहुत essential है. Repeating. Now a look over to this chapter children. Water is essential for survival of all living beings. We all know, hum sabko pata hai ki jo water hai wo bahut zaruri hai hum sabke survival ke liye. Many children in India die before the age of 5 because of waterborne diseases. Private companies operate for profit in the market by public facilities. Public water supply has been a huge success in many countries. Now, we come to the estimation corner. Choose the correct option. As per Urban Water Commission, how much water should be supplied to a person in a day? Ek din mein kitna water supply hona chahiye ek insaan ko? 25 liters, 50 liters, 135 liters, 200 liters. It is 135 liters. Which of these have seen successful private participation in India? Water supply, sanitation, polio vaccination, roads. It's the water supply. Many children in India die because of polio, fever, cancer, waterborne diseases. They die because of waterborne diseases. Now children,
We come to the fill in the blanks. There are many dash which need to be provided to the public. बहुत सारी क्या पब्लिक को प्रोवाइड करनी जरूरी है? Many facilities which need to be provided to the public. Water supply is done by dash agencies in most of the countries. It's done by private agencies. Delhi Metro is a good example of public transportation. It's a good example of public transportation. Okay? Next is, dash is the solo motive of public utilities. Service is the solo motive of public utilities. Dash tankers operators are being hired by the municipality in Chennai to distribute water. Private tankers operators. Okay? Now children, state whether the following statements are true or false. Since water is available in plenty, so there is no water shortage. Is it true? No. Still there is water shortage, so this is false. Access to safe drinking water is a problem at most of the places. Yes children, this is true. Right to water is part of right to life. True. Private participation in water supply has been a success in many countries. Yes, true. A poor person may not be able to get even 20 liters of water in a day. Yes, true. In many places still, they don't get even 20 liters of water a day. So children, here we end up with the chapter. I hope you have understood the chapter very well. Bahut acche se samajh mein aaya hoga chapter. So we meet soon with a new chapter. Till then, keep learning and be happy. Bye.